जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट स्टार लोन एप्लीकेशन के बारे में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 4.6 की रेटिंग है, 1 लाख से ज्यादा इसके डाउनलोड हो चुके हैं, ठीक है, और रिव्यूज भी काफी अच्छे हैं। बेसिकली आपको लोन प्रोवाइड करते हैं मान लो 1000 रुपए का, 2000 रुपए का, तो कई लोगों को ये लग रहा है कि ये जो एप्लीकेशन है रियल एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूँ, ये जो एप्लीकेशन है भाई साहब बेसिकली फेक लोन एप्लीकेशन है, ठीक है। अगर आप यहाँ से लोन ले लेते हो तो आपको रीपे नहीं करना है, क्योंकि ये चाइनीज लोन एप्लीकेशन है। ये आपको 7 दिन के लिए लोन प्रोवाइड करती है, कोई भाई NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन नहीं है, RBI से कोई रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। अब ये कैसे आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, मान लो ये आपको बोलेंगे हम आपको 2000 रुपए दे देंगे, ठीक है, क्रेडिट स्टार वाले बोलेंगे 2000 दे देंगे, लेकिन आपको 7 दिन के अंतर्गत उसका 4000 रुपया, 6000 रुपया, मतलब उससे डबल से ट्रिपल गुना रीपे करना पड़ेगा। अगर आप रीपे नहीं करोगे तो ये आपको ब्लैकमेल करते हैं, बोलते हैं हम आपकी फोटो को मोस्ट बना के आपके रिश्तेदारों को भाई सर्कुलेट कर देंगे, क्योंकि इनके पास आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट एक्सेस आ जाती है। कैसे आ जाती है, जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो आप कुछ इनको परमिशन दे देते हो, हाँ भाई आप मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट ले लो भाई, गैलरी एक्सेस कर लो। तो उसके बाद क्या होता है, इनके पास भाई गैलरी एक्सेस तो थोड़े कम चांस रहते हैं, लेकिन कॉन्टेक्ट लिस्ट तो 100% इनके पास चले जाती है, ठीक है। अब भाई आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में 50 बंदे हैं, 100 बंदे हैं, सबको तो नहीं भेजते, उनको ही भेजते हैं जो आपके क्लोज वंस होते हैं, जैसे आपके रिश्तेदार हो गए, आपके दोस्त हो गए, कुलीग्स हो गए, ठीक है। तो उनको ये मैसेज कर देते हैं कि भाई इन्होंने लोन ले रखा इस बंदे ने, और मोर बना देंगे गलत सी फोटो और ब्लैकमेल करेंगे। लेकिन भाई आपको तो ये सब पता ही नहीं था कि एप्लीकेशन ऐसा करती है, आपको तो लग रहा था भाई साहब ये रियल एप्लीकेशन है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको यहाँ से 2000 मिले हो, 4000 मिले हो, मैं कह रहा हूँ 1000 रुपए भी मिले ना, आपको रीपे नहीं करना है। अगर ये आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसकी भाई धमकी दे रहे हैं, उसका भी आपको इस वीडियो में सोल्यूशन बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको इनको चवन्नी भी नहीं देनी है भाई, 1 रुपया भी इनको आपको नहीं देना है, ठीक है। पहला सोल्यूशन तो ये हो गया। दूसरी बात, ये फेक लोन एप्लीकेशन है, ना ही आपकी सिविल स्कोर में इंपैक्ट कर सकते हैं भाई, कुछ भी नहीं होगा, ना ही कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं, इनके रिकवरी एजेंट कुछ भी नहीं है। कई लोगों को डाउट होता है, तो सबसे पहले मैंने आपका ये डाउट क्लियर कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं इनके पास कॉन्टेक्ट लिस्ट है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो, अगर ये आपको फोन कॉल करके भाई परेशान कर रहे हैं, जो फोन कॉल करते हैं ना भाई, +1 नंबर से आपको कॉल आते हैं इनके ज्यादातर, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये ट्रू कॉलर की 2 सेटिंग अप्लाई कर देनी है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये सेटिंग आपको अप्लाई कर लेनी है, इससे क्या होगा, जितने भी इनके कॉल आएंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे ब्लॉक कर देगा ट्रू कॉलर, ठीक है, फर्स्ट सेटिंग हो गई। दूसरा ये है कि आपको व्हाट्सएप को कुछ दिन के लिए डिलीट करना है, लेकिन उससे पहले आपको एक स्टेटस अपलोड कर देना है, ताकि अगर ये कोई गलत मैसेज आपके रिश्तेदारों को, कुलीग्स को, दोस्तों को करेंगे भी, तो पहले ही वो अवेयर हो जाएंगे, क्योंकि आपने तो एक स्टेटस डाल दिया कि भाई मेरे साथ एक लोन स्कैम हो गया, कोई भी बोल सकते हो एक स्कैम हो गया। आजकल देखो फाइनेंशियल स्कैम बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो अगर आपको मेरे नेम से कोई भी मैसेज आता है तो कृपया करके उसको इग्नोर करिए, ऐसे करके आपको एक स्टेटस अपलोड कर देना है, ठीक है। स्टेटस अपलोड करने के बाद आपको व्हाट्सएप को डिलीट कर देना है, ट्रूकॉलर की सेटिंग अप्लाई कर दी, यहां तक तो आपकी बात हो गई। लेकिन यहाँ पे पूरे स्टेप कंप्लीट नहीं होते हैं, साथ में दोस्तों आपको क्या करना है, एक साइबर सेल में कंप्लेंट भी करवा देनी है। जैसे कि ये देख सकते हो, ये साइबर क्राइम का पोर्टल है, ठीक है, यहाँ पे जाके आप कंप्लेंट भी कर सकते हो। इसका कंप्लेंट का क्या फायदा होता है भाई, आपकी सेफ्टी के लिए होता है, मान लो आगे जाके कोई केस हो जाए आपके पैन कार्ड का, कभी मतलब होता नहीं ऐसे, फिर भी कोई मिसयूज कर ले तो आपके पास एक कंप्लेंट रहेगी, वहां पे आप दिखा सकते हो कि भाई मैंने ये चीज नहीं करी, ऐसा मेरा स्कैम हो गया था, ठीक है। तो आपकी सेफ्टी के लिए आपको एक भाई कंप्लेंट रेज कर देनी है साइबर क्राइम में, और साथ में फिलहाल ये जो एप्लीकेशन है फिलहाल तो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तो हमें इस एप्लीकेशन को जल्द से जल्द खत्म करना है, उखाड़ना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन दिख रही है ना, यहाँ पे 3 डॉट पे जाना है, ठीक है, यहाँ पे जाना है फ्लैग एस इनअप्रोप्रिएट, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है अदर ऑब्जेक्शन पे, और यहाँ पे लिख देना दिस इज फेक लोन एप्लीकेशन ऑपरेटिंग फ्रॉम चाइना, काइंडली रिमूव दिस एप्लीकेशन एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। हर वीडियो में बताता हूँ, जब जब मैं भाई फेक लोन एप्लीकेशन को भाई एक्सपोज करता ना, इससे होता है कि जितनी यहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगी गूगल के पास, उसको समझ आ जाएगा भाई एप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ है, तो वो क्या करेगा, एप्लीकेशन को जल्द से जल्द रिमूव कर देगा, ठीक है, ताकि और बंदों के साथ ऐसा स्कैम ना हो। तो भाई इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये छोटी सी भाई आपकी हेल्प चाहिए, बस इतना सा कर देना, ताकि भाई जो इनोसेंट बंदे हैं आपके साथ स्कैम हो गया, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको रीपे नहीं करना है, लेकिन जो बाकी बंदे हैं इनोसेंट होते हैं, उनको एड कैंपेन दिखाई जाती है, उनके साथ स्कैम हो जाता, तो मैं चाहता हूं उनके साथ ऐसा ना हो, तो ये कंप्लेंट यहां पे भाई प्ले स्टोर पे भी आप कर देना, ठीक है। लेकिन अगर आपका अभी भी कोई डाउट है इस लोन ऐप के रिलेटेड, या कोई भी लोन ऐप के रिलेटेड, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और भाई लास्ट में फिर से कहूंगा, आपको 1 रुपया भी इनको रीपे नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना था, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।